उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार सुबह साबुन की फैक्ट्री में बम धमाके जैसे दो विस्फोट हुए हैं। ये धमाके 30 मिनट के अंदर हुए हैं। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 मजदूर मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्लास्ट इतना तेज और इतना भयानक था कि 2 मंजिला फैक्ट्री ताश के पत्ते की तरह बिखर गई, धराशायी हो गई। आसपास के 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया है। मौके से आतिशबाजी और उससे बनाने के सामान भी मिले हैं, हालांकि मालिक फरार हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही डीएम एसएसपी समेत सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची है। दरअसल शहर के लोहिया नगर की एक बिल्डिंग में साबुन फैक्ट्री संचालित होती है। मंगलवार सुबह यहां 14 मजदूर काम कर रहे थे। विस्फोट की सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और आसपास के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया। विस्फोट इतना भयावह था कि कई मजदूर कई मीटर दूर जाकर गिरे। उनका पूरा शरीर जल गया। जली हुई लाशें भी इधर उधर बिखरी हुई दिखाई दी।